हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्सी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से जुड़ी कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी कुछ इस प्रकार की गड़बड़ है, जैसे सीबीएसई जो बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है कि उनका टेंथ का जो रोल नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है यूपी बोर्ड डाटाबेस से, जिस पर इस प्रकार सस्पेक्ट अगर आ रहा है तो अपने नज़दीकी जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म एक एक एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं, जिस एप्लीकेशन में आप पूर्ण ब्यौरा देंगे कि क्या आपका सस्पेक्ट आ रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं और क्या इसमें सही है क्या गलत है, ताकि जो जिला कल्याण समाज अधिकारी हैं वे इस पर पूर्ण तरह से फैसला ले सके और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने से बच जाए। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के स्कॉलरशिप मामलों से जुड़ी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है 551,000 छात्रों का डाटा संदेह के दायरे में, यानी कि ये इसमें कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन रद्द होंगे। इसका कारण ऑनलाइन आवेदन में पिता के नाम, हाई स्कूल के रिकॉर्ड, आय व जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ियाँ मिलना है। अभी तक सामान्य व अनुसूचित जाति के 551,000 छात्रों का डाटा संदिग्ध श्रेणी में डाला जा चुका है, यानी कि वो सस्पेक्ट दे दिया है। इन पर अगले 5 दिनों के भीतर सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों से रिपोर्ट मांग गई है, यानी कि 20 तारीख तक जो समाज कल्याण अधिकारी विभाग है वो सभी जो जानकारी है उसको रिपोर्ट बनाकर भेज देगा। प्रदेश सरकार सामान्य वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख व अनुसूचित जाति के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने पर विद्यार्थियों की फीस की भरपाई करती है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से प्रत्येक विद्यार्थी के डाटा की जांच कराई जा रही है। नाम, आय, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड व बैंक खाता नंबर में गड़बड़ी मिलने पर तत्काल उन विद्यार्थियों का डाटा संदेह के दायरे में रखा जा रहा है। इसकी सूचना विद्यार्थी व शिक्षण संस्थान के लॉगिन पर भी प्रदर्शित की जा रही है, ताकि असहमत होने पर वे अपनी बात साक्ष्यों के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारियों के सामने रख सके। यानी कि जिसकी स्कॉलरशिप में सस्पेक्ट आ रहा है, स्क्रूटनी रिजल्ट में सस्पेक्ट आ रहा है, वो समाज कल्याण विभाग जाकर अपने जो साक्ष्य हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन्हें ले जा कर के वेरीफाई करा सकते हैं। और आप यहाँ पर एक खबर देख सकते हैं कि 28,000 आवेदन हो चुके हैं रद्द, मतलब 28,000 आवेदन रद्द अब तक हो चुके हैं टोटल। अभी तक जिला स्तरीय अधिकारी व पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से इन दोनों वर्गों यानी एसटीएससी और जनरल सामान्य वर्ग के 28,000 छात्रों के आवेदन अंतिम रूप से रद्द किए जा चुके हैं। इसके अलावा सामान्य के 2,30,000 व अनुसूचित जाति के 3,21,000 विद्यार्थियों के डाटा को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। अधिकतर विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में अपने पिता के नाम की जो वर्तनी लिखी है वो हाई स्कूल के अंक पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र में दर्ज नाम से मैच नहीं कर रही है। नामांकन संख्या, पिछली कक्षा के रिकॉर्ड व बैंक खाता संख्या में भारी गड़बड़ियाँ मिली हैं। तमाम विद्यार्थियों ने एक पाठ्यक्रम बैच में ही छोड़कर दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया, जिसके चलते उनका आवेदन अपात्र श्रेणी में आ गया है। तो ये थी कुछ स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी। तो इसमें समाज कल्याण विभाग को 20 तारीख तक रिपोर्ट देनी है। 20 तारीख तक जो समाज कल्याण विभाग है उसे अपनी जो रिपोर्ट है, अपना अंतिम निर्णय जो है वो देना है, क्योंकि छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई 26 जनवरी से पहले की जानी है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें, ताकि जिनकी स्कॉलरशिप में कुछ गड़बड़ हो वे तुरंत पहुँच कर अपनी स्कॉलरशिप को ठीक करा सकें। धन्यवाद।
जय हिंद जय भारत।